लोग नाजायज काम कर रहे हैं और गलत तरीके से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनको भी साथ लेंगे। और हमें और आपको सबको इस बारे में कोशिश करनी है। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। हाँ, लोगों को मौका तो मिला है इसमें तेल डालने का मुसलमान के नाम पर, लेकिन हमारी लड़ाई मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इंसानियत की लड़ाई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसको खत्म नहीं करना है। ये हमारा मिजाज है कौम का कि जी एक मुजाहरा कर लेंगे, अजी हमने तो मुजाहरा कर लिया जी, बस हो गया काम, सर पे सिर बोझ उतार देते। रोजाना का काम है, सुबह का काम है, शाम का काम है, सोते जागते का काम। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे पास एक, मैं एक मरतबा बैठा था, पुरानी बात, कोई साहब जिक्र कर रहे थे, कहने लगे सबसे बड़े अफसोस की बात यह हो गई कि मुसलमानों ने अमल करना तो छोड़ो, दुआ मांगना भी छोड़ दिया। कितनी मरतबा रोए हैं हम लोग दुआ करते हुए उन लोगों के लिए। गुस्सा तो करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, गुस्सा भी जायज करना चाहिए लेकिन सही जगह पर गुस्से को निकालना चाहिए, गलत जगह पर गुस्से को नहीं निकालना चाहिए। गुस्सा आएगा तो घरवाली को गुस्सा निकाल लेंगे, लो जी हम तो रोहिंग्या लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है तो इसलिए तेरे ऊपर गुस्सा आ गया, गुस्सा वहां आ रहा था उतार दिया घरवाली पे जाकर, है ना। अच्छा, और गुस्सा भी कैसे निकालेंगे, एक साथ तीन तलाक दे देंगे, सुभान अल्लाह। अरे भाई, जब तलाक देने की जरूरत ही क्या है, सबसे खराब चीज है तलाक देना, सबसे खराब चीज है, सबसे घटिया चीज है जायज चीजों में। अल्लाह को सबसे ज्यादा इसी बात पर गुस्सा आता है। अच्छा भाई, देना ही मजबूरी बन जाए तो पहले मुसालहत की कोशिश करो, बड़ों को बीच में डालो, और देना पड़े तो एक तो जो काम एक से चल सकता है उसके लिए तीन देने की जरूरत क्या है तुम्हें। किसी हकीम ने बताया कि तीन तलाक दोगे तो तुम्हारे पेट में से गैस निकल जाएगी, क्या बात, पीछे खड़े हो जरा, यानी बिल्कुल जाहिल हो गए, निरे जाहिल हो गए कि हम मुसलमान है, भला मुसलमान हो और जाहिल हो, ये कैसे हो सकता है। जिहालत और इस्लाम एक सीने में जमा नहीं हो सकते, याद रखना, ये इस्लाम कमजोर है अगर तुम जिहालत इख्तियार किए हो।